नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने थाने का किया औचक निरीक्षण तो हुई बड़ी कार्रवाई। 3 पुलिस अधिकारी हुए निलंबित। 6 माह पुराने लगभग 33 मामलों में कार्रवाई न होने पर शाहबाद थाना प्रभारी प्रेमचंद को निलंबित किया। एक अन्य उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक पर गिरी निलंबन की गाज। गृह मंत्री अनिल विज ने दी पुलिस कर्मियों को चेतावनी, कहा काम करना पड़ेगा, साथ ही लोगों को धक्के नहीं खाने दूंगा। दरअसल अनिल विज को शिकायतें मिल रही थी कि शाहबाद थाने से सब कुछ दुरुस्त नहीं है। इस पर मंथन करते हुए उन्होंने शाहबाद थाने पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और पुलिस की कार्यशैली में खामियां निकाली। इसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने तत्काल कड़ी कार्रवाई की, जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने 2 चूक शब्दों में पुलिस कर्मियों को नसीहत दी है कि आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, क्योंकि वे लोगों को सड़कों पर रोक धक्के नहीं खाने देंगे। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों में तो कार्रवाई हुई नहीं है और 6 माह पुराने ऐसे 33 मामले मिले हैं जिनमें कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से 15 दिन में सभी मामलों में पेंडेंसी रिपोर्ट मांगी है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता विकास कौंडल्यान की रिपोर्ट। 2-2-20 को 21 को है कौन है मिला क्या कर रहे दोनों एसपी मैडम आइए जरा मुझे बताइए ये सारा नहीं आपने पर्चा दर्ज कर लिया मुजरिम को ढूंढने के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई करी कब कब आपने रेड मारी कहाँ कहाँ आपने छापे मारे कहाँ कहाँ पर हम बताओ घर पर गया मेरा लड़का है जो यहाँ पर नहीं रहता अपने परिवार से अतबार कहीं पर रहता है मुझे नहीं पता कहाँ पर रहता है। राजेश कुमार के बारे में कुछ पता चलेगा मैं राजेश को आपके पेश मुख कर दूँ। ये पुलिसिंग आपके भाई तो अपने बता तेरे से पहले वाले की सिविल सिंह है तुम एक आदमी को नहीं पकड़ सके उसको ढूंढ नहीं सके अरेस्ट नहीं डाल सके अभी तक 1 साल हो गया नहीं कोशिश मुझे नजर नहीं आ रही ना आपने क्या कोशिश करी घर पे करी घर तो वगैरह रहते नहीं यहाँ पे फिर उसके बाद आपने क्या करा मोबाइल नंबर देने की कोशिश करी जैसे ही आएगा उसी टाइम उठा इसलिए उसे गांव जमा तब तब तो मैं तेरे को उठा दूंगा ठीक है। एक एक साल लोग धक्के खाते रहे और तुम कार्रवाई ना करो फर्जी कार्रवाइयां डाल रखी हैं उसके कोई यार मित्रों पे उसके उठने बैठने की जगह पे काम करने की जगह पर उसकी कोई फोन लोकेशन आप लोग कुछ लियो बताओ मेरे को आपके थाने का टोटल केस कितने हैं और कितनों में अरेस्ट पेंडिंग है और ये 1 घंटा हो गया बैठे नहीं नेटवर्क का भी तो हमने ही देखना फिर किसी बाहर लेने थोड़ा देखना है या आपका अलग थोड़ी सी नीचे लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं
जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 3 महीने से 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए SHO को, क्योंकि SHO पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, SHO को और दो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल जारी रहेगी। मैं हरियाणा के लोगों को इंसाफ की दरकार में धक्के नहीं खाने दूंगा। इनको काम करना पड़ेगा, सब लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। बिल्कुल वो है, और मैं SP को कहूँगा कि एक एक केस की इंक्वायरी करके जितने यहाँ पर पेंडेंसी है उसकी 15 दिन में मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। सर, जो मरीजों को ये क्या करो बात। दीपक कुमार, कुलदीप सिंह, जसविंदर सिंह, जयपाल सिंह एक पीसीआर पे हैं, दो शिफ्ट है जी, दो शिफ्ट है। हाँ सर, दोनों कट्ठी चलती हैं, जो ड्यूटी पे हैं जो बारी बारी आते हैं, बारी बारी आते हैं सर। इस वक्त ऊपर वाली चल रही है, दो ऑपरेटर है वो देखा नहीं, ये ऐसे इसी में बनाते हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।